सो गाइस ये है बजाज प्लैटिना। अब इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये पूरा हैंडल पोर्शन होता है। आपने किसी टाइम में देखा हो कि यहाँ से साउंड आता है खट करके, उसको साउंड हम रेक्टिफाई करेंगे। इससे आपको बेसिक में जानकारी देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये हैंडल मतलब प्रॉपर स्मूथ काम कर रहा है। बट अगर आपका हैंडल जाम चल रहा है या फिर मैं आपको हैंडल का छोड़ कर दिखाऊँ, देखो एक साइड हो रहा है, देखो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है। काम केस में आपका हैंडल वाइब्रेशन बहुत करेगा और आपका शोल्डर है बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा दूँ। सिंपली ये वाला पोर्शन यहाँ पकड़ना है और इस तरीके से देखना है। अगर ये प्ले इसमें ऊपर नीचे प्ले हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे देख सकते हो ऊपर नीचे प्ले होकर हो रहा है, अब इस केस में नहीं है तो आपका रेसर लूज़ है। अब लूज़ रेसर को आप नहीं चला सकते क्योंकि इसमें घाटा टाइप का बन जाएगा और पूरा जो हैंडल है खट करके साउंड है जब आप गड्ढे में जाते हो। तो इसको आप नॉर्मली आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट के बाद भी अगर नहीं होता है तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में होंडा साइन में कौन से रिप्लेसमेंट कैसे बनाया था वो वीडियो मैंने दिखाया था। सो गाइस सबसे पहले इसको एडजस्टमेंट करने के लिए आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा हैंडल टाइट है कि लूज़ है। अगर आपका हैंडल टाइट हो रहा है तो उसको आपको लूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका हैंडल लूज हो रहा है नीचे से घड़े से जाके साउंड हो रहा है खट करके, और अगर आप सस्पेंशन अगर आगे पीछे करते हो तो भी यहाँ पे साउंड मतलब प्ले हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको आपको टाइट करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें होती है। तो टाइट करने के लिए आपको ये वाला नट देखना है, इसको आपको ओपन मतलब ओपन नहीं करना, हल्का सा लूज करना है। प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको पहले डिसाइड करना है लूज करना है टाइट करना है, हम आपको दोनों करके दिखाएंगे। तो पहले आप इसके हैंडल का मूवमेंट देख लो, बिल्कुल छोड़ रहा हूँ तो एक साइड जा रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। इस नट को ओपन करने के लिए मेरे पास कोई स्पैनर स्पेसिफिक है नहीं, मे बी 21 नंबर 22 नंबर का लगता है। मेरे पास ये वाला एडजस्टमेंट रेंज है, इससे ये ओपन हो जाएगा मतलब लूज हो जाएगा। हम यहाँ पे लूज करते हैं और मेक श्योर ये अगर स्लिप हो जाता है तो टैंक में लग सकते हैं, डिपेंडेंट आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से करके इसको इस तरह से करना है, अदरवाइज ओपन होगा नहीं। देख सकते हैं ये ओपन हो गया, मतलब ओपन नहीं करना है लूज करना है। सो हमने लूज कर लिए जितना हो सके। अब आपको एडजस्टमेंट करना है कहाँ पे, देखो ये जो आप नट देख रहे हो इसको हमें एडजस्टमेंट करना है। ये एक नट होता है, राइट तरफ करोगे तो ये टाइट हो जाएगा हैंडल, और लूज करेगा तो ये हैंडल लूज हो जाएगा। तो पहले हम इसको टाइट करके दिखाते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और ये जो होल है इसमें फंसाना है और इसको चोट मारना है। देखो ये मूव हो रहा है। सो गाइस हमने थोड़ा सा इसको उधर किया है, अब देखते हैं हैंडल। अच्छा हैंडल अभी भी टाइट है। अच्छा गाइस देखो हैंडल अभी प्रॉपर तरीके से भी है, हैंडल अभी हैंडल देखो नॉर्मल है, तो इसको और टाइट करना है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप ज़्यादा टाइट करते हो जब आप इसको टाइट करोगे लास्ट में तब ये हैंडल आपका सही रहेगा, नॉर्मल सही रहता है। जब इसको लास्ट में टाइट करोगे ना तो हैंडल जाम हो जाएगा, तो आपको उस मेजरमेंट ले करना है। हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हैंडल को और टाइट करते हैं। ठीक है हमने और टाइट कर दिया है, अब देखते हैं। अब लग रहा है कि आपको हैंडल जाम नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेक नट देख रहे हैं इसको हम टाइट करेंगे। अब देखना कि हैंडल पहले से टाइट हो जाएगा। इसको हम टाइट कर देते हैं। देखो गाइस हैंडल टाइट हो गया, देखो गाइस देखो हैंडल पूरा टाइट हो गया, मतलब मुझे फील हो रहा है कि जाम हो रहा है क्योंकि हमने इस और नॉर्मल उसे टाइट कर दिए तो ये चलाने में प्रॉब्लम करेगा। हम आपको दिखाते हैं इसको लूज कैसे करें। लूज करने के लिए सेम प्रोसेस है, इसको नट को आपको पहले लूज करना है और ये जो नट देख रहे हैं अंदर का एडजस्टमेंट उसको एंटी क्लॉक वाइज मतलब उधर से मारना है इधर हल्का हल्का करके, और आपको बीच बीच में चेक भी करना है। हम अब हम इसको एकदम सही एडजस्टमेंट करेंगे।
तो पहले हमें इसको लूज कर लिया है और मुझे पता है कि हैंडल जाम हो रहा है, मुझे लूज़ करना है, तो हमको इसको लूज़ इसका भी नट का भी लूज़ करना, तो इस ग्रुप में आप फंसा दीजिए और इसको हल्का हल्का मारिए। देखो तो हमने थोड़ा सा लूज किया है, अब हम क्या करेंगे, हैंडल का मूवमेंट चेक करेंगे, हैंडल का मूवमेंट चेक करें कि फ्री है कि नहीं है। देखो फ्री है, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्री है। तो अब हमको क्या करना है, अब इस चेक नट को टाइट नहीं करना है, अब हम नीचे का जो प्ले है उसे भी चेक करना पड़ेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे का जो प्ले है आपको इस तरीके से पकड़ना है इस दो हाथ को और ऊपर नीचे करना है, मतलब इसमें प्ले अगर होगा तो आपको महसूस होगा। हाँ गाइस, इसमें प्ले है, इसमें तो प्ले है, तो हमको क्या करना है, अगर इसमें प्ले आ रहा है तो हमको इसको टाइट करना है, मैंने लूज़ किया था ना, इसको टाइट करना है, इसमें प्ले हो नहीं होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा टाइट करते हैं इसको, ठीक है, हमने थोड़ा सा टाइट कर दिया। अब हम फिर से इसको प्ले चेक करेंगे, हैंडल तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास हो गए, अब इसे प्ले चेक करेंगे, हल्का सा प्ले है, चलो हम इसको और टाइट करते हैं। ठीक है, अब फिर से हम इसको प्ले चेक करेंगे, ओके हल्का है, अब फिर से इसका इसको हम टाइट करें फिर से, बस अब चेक करते टाइम, अब चेक करते टाइम आपको इसमें हल्का सा प्ले फील होगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, हल्का सा प्ले फील हो रहा है, ये नॉर्मल है। अब क्या करेंगे, क्यों हमने प्ले रखा है, जब हम ये चेक नट टाइट करेंगे तो ये प्ले चला जाएगा। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्ले नहीं रखा उसके बाद आप सोच रहे हो कि हैंडल आपका फर्स्ट क्लास हो गया है, जब आप ये चेक नट टाइट करोगे ना तो आपका हैंडल और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तब हम इसमें फाइनल जो टाइट कर रहे हैं और प्ले चेक करेंगे लास्ट में। इतना काफ़ी है, अब पहले हम चेक करेंगे हैंडल, हैंडल बिल्कुल ईजी है, देखो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब हम नीचे का प्ले चेक करते हैं, देखते हैं वो जो मैंने प्ले रखा था हल्का सा वो गया कि नहीं गया है। गाइस पूरा परफेक्ट तरीके से इसका प्ले चला गया, देख सकते हैं, और हैंडल भी चलाने में स्मूथ हो गया है, और देख सकते हैं बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल स्मूथ है। तो इस तरीके से हम इस हैंडल का एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मेक श्योर आप इस नट को पहले लूज़ करें उसके बाद इसको चोट मारे हल्का सा हल्का हल्का, और अगर आपके पास प्रॉपर टूल है तो उस टूल के माध्यम से कर सकते हो, अदरवाइज स्टॉक में इसको चोट मारोगे तो जाएगा नहीं, आप हमेशा खामों का परेशान होगे क्योंकि आपने तो ये चीज़ लूज़ नहीं किया। तो मैंने इसको बता दिया इस वीडियो में कैसे हैंडल को, अगर आपके पास हैंडल लूज़ हो रहा है उसको टाइट कर सकते हैं, अगर आपको टाइट हो रहा है तो लूज़ कर सकते हैं, और फिर भी नहीं हो रहा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब आपका इस हैंडल रेसर खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया, आप हैंडल का रेसर को चेंज कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा दूँ होंडा साइन में ये वाला सिस्टम किस तरह से रहता है, गाइस देखो, और यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो ये वाला ग्रुप देख रहे हो ना, देखो ये वाला ग्रुप देख रहे हो ना, एडजस्टमेंट तो मतलब उस साइड अगर करोगे टाइट करोगे तो ये टाइट हो जाएगा हैंडल, अगर आप लूज़ करोगे तो लूज़ हो जाएगा, ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, उसके बाद हम इस नट को टाइट कर देंगे तो ये आपका हैंडल बिल्कुल मतलब बहुत स्मूथ हो गया हैंडल पहले से। कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, घर में ही कोई मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही कर सकते हो, अगर आपसे नहीं होता है ट्राई कर लिया तो आप मिस्त्री भाई को दिखाइए, वो अगर रेसर चेंज करने को बोलते हैं तो आप चेंज कर दीजिए, और उसका उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि इसमें हैंडल में प्ले तो नहीं आ रहा है, और उसके बाद ये हैंडल फ्री तो है और आपका कंधा दर्द नहीं करना चाहिए मतलब चेंज करने के बाद। तो बेसिक से जानकारी मैंने आपको दे दी, आशा करते वाला वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।